बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग गाइस। अभी जो है ना, हम लोग एक दोस्त को रिसीव करने आए हैं जकार्ता एयरपोर्ट पे, और पार्किंग में जो है ना हमने गाड़ी लगाई है, वाहियो को साथ ले गया है। वो काफ़ी देर से एयरपोर्ट मिल रहा था, तो ये एयरपोर्ट की पार्किंग है और ये यहाँ से इंटर हुए हैं। दो दफ़ा जो है ना यहाँ से इन हो के फिर आउट हुए हम लोग, और आप लोगों को पता है ये तकरीबन 50,000 रुपये यहाँ की पार्किंग है। सो दो दफ़ा जो है ना 1,00,000 इंडोनेशियन की तो ऐसे ही डस लग गई हमें। अभी जो है ना उसको ढूंढने के लिए, उसको मैंने लोकेशन भेजी है, पता नहीं उसको मिलती है या नहीं मिलती, तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए, उससे मुलाकात भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो है ना हम लोग ईस्ट लॉबी से वेस्ट लॉबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है ना वहाँ पर वेट कर रहा है हमारा, अभी कॉल वे कर रहा था। सो ये है गाइस एयरपोर्ट, इंडोनेशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये लड़का जो है ना तकरीबन सुबह से वेट कर रहा है यहाँ पे। एयरपोर्ट पे आते आते ना पहुँचते भी काफ़ी टाइम लग जाता है ना एयरपोर्ट के ऊपर, और कुछ इस वजह से भी जो है ना। तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा जाना है, उसको मैंने बोला था कि ये जो डोमेस्टिक डिपार्चर है ना, इससे सीढ़ियाँ लेके ऊपर चढ़ा जा, ऊपर फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर में इसको रिसीव करने में आसानी होती। अभी मैंने पार्किंग इधर की है और वो उस तरफ बैठा है, क्योंकि वहाँ से डिपार्चर नंबर 3 से निकला था ना, तो वहाँ से फिर यहाँ बड़ा मसला बन गया। इसी जगह पे मैं तकरीबन 3 घंटे बैठा रहा था बेगम का जो है ना वेट करता रहा था। ये सामने जो है ना वो बेगम भी मुझे ऐसे ढूंढती रही थी। तो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है इंडोनेशिया का जो है ना, तो यहाँ पर किसी भी मेहमान को आने वाले को ढूँढना काफ़ी जो है ना मुश्किल है। पूरा जो है ना मुझे एक एकड़ पूरा जो है ना यहाँ पे पूरा एक एकड़ यहाँ पे चलना पड़ेगा एयरपोर्ट के ऊपर। ओए होए होए, पसीने छूट गए यार। ये देखे जनाब, मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पे, पूरी दुनिया जो है ना यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर आई हुई है, और इसको मैं इस मैप के ज़रिए फॉलो कर रहा हूँ इस बच्चे को बड़ा जो है ना सियापा डाला हुआ है लड़के ने, सियापा डाला हुआ है। गालियाँ देने के लिए ऐसे देते हैं जैसे मैं इनकी फूफी का बेटा हूँ, और जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो फिर बोलते दिशान भाई। ये आज सुबह एक लड़का जो है ना $1,500 लेके गायब हो गया, उसको भिजवाए हैं हमने $1,500, और कोई ज़रूरत थी, कोई मसला बना हुआ था तो हमने भेजी है, वो लेके गायब हो गया। अली नाम का लड़का था, अली रज़ा, वो ना कॉल उठा रहा है ना कुछ बता रहा है, भाई देनी है नहीं देने, कोई ना कोई जवाब दे दो कम से कम, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। ये हालात है जनाब इनकी हेल्प करने के लोगों की, ये तो हम पाकिस्तानियों के हालात है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब क्यों आता है, पाकिस्तान में ये क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू क्यों डाउन है, फिर इस तरह की बातें करते हैं। ये देखें गाइस, अभी काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 3 घंटे से मैं निकला हुआ घर से। अभी जो है ना वेस्ट लॉबी की तरफ भाई साहब बैठे हैं, और मुझे मैप पे तो यही बता रहा है कि मैं उसके तकरीबन करीब ही हूँ। कह रहा था कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ पार्किंग में ना, सामने ही खड़ा हूँ, तो मैंने कहा मैं भी उसी तरफ से आ जाता। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, और देखते हैं कैसे मिलता है इसको, ढूँढना पड़ेगा भाई को रे। तो अरे धड़ वे किस तरफ होगा, ये सामने तो इतने ज़्यादा लोग हैं ना, रश है भी। मैं इसको कॉल करता हूँ, बोलता हूँ कि भाई यार तेरी मेहरबानी यार, अब बता दे किधर है। हेलो, हाँ उठा यार कॉल तो उठा अब कॉल ही नहीं उठा रहा। बड़ा रश है यार लोगों का, बड़ा रश है एयरपोर्ट के ऊपर, इतने ज़्यादा लोग आए हैं। ये आ गया नमूना अस्सलाम वालेकुम, कहते ना खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा ये पार्किंग है, मैंने उस पार्किंग में ना गाड़ी पार्क की थी, मुझे नहीं पता था आपने। मैं दो दफा इधर आ। अच्छा मेरी बेगम ने ना एक ही दफ़ा इधर ही पार्क की थी ना गाड़ी, वो भी मुझे उधर ढूंढती रही, इधर उधर घूमती रही, कह दिए पार्किंग में आ जाओ। सो बड़ा एक मुश्किल होता है, मास्क तो नहीं उतारो। क्या हाल है, ठीक हो? सभी ऐसे ठीक है।
अभी जो है ना गाइस हम लोग तंग सिटी मॉल में आए हुए हैं, ये मदरलैंड में आए हुए हैं। ये सामने है मदरलैंड के अंदर, अगर किसी ने डॉलर चेंज करवाना है, करीब ही है ना, तो डॉलर इनके चेंज करवाने आ जाते। बाकी जनाब की जो है ना अगर सराइकी में बात करें ना, मसाद से ही टूटी फटी ने तो दफ्तर है। हेलो ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आ गया तो सो अभी जो है ना हम लोग यहाँ जाते हैं डॉलर चेंज करवाने ना। हाँ ये है डॉलर, यहाँ पे हैं जनाब डॉलर। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू? वी हैव अ डॉलर, वी वांट टू चेंज। या निकालो भाई, या इंडोनेशियन रुपया, फ्रॉम डॉलर टू इंडोनेशियन रुपया। सो ये भाई के पास माशाल्लाह 50,000 डॉलर हैं, काफ़ी रिच हैं भाई, और दूसरे भाई के पास 10,000 डॉलर है। तो ये जो है ना यहाँ पे कारोबार करने के लिए आए हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आए हूँ ये भाई। और ये भाई पता इधर से चेंज क्यों करवा रहे हैं, वो चित्रा राय में अगर चेंज करवाते हैं ना तो वहाँ पर वो जो बच्ची बैठी है ना लड़की, वो अजीब ही रुख से निकालती है ना। कितनी है? 400 What is rate per dollar? 14,700 कल 800 था, 700 है। Yes, it's not good. Oh, कह रहा है ये थोड़ा सा वो है ना रेट इसका थोड़ा सा कम है, 100 रुपए का फर्क है। Yes, for you. Okay, okay. 100 रुपए का फर्क है ना? इसका क्यों? इसका जो है ना वो ये इसने नुक्स निकाला है ना यहाँ पे, कह रहा है ये थोड़ा सा नो गुड है। हाँ जो पाकिस्तानी 100 रुपया है ना वो लेस रेट दे रहा है, 100 रुपया। ये ऐसे ही करते हैं आप लोग, अगर अपने डॉलर लेके आए ना तो डॉलर को फूंक फूंक के साफ करके लेके आए, सही से अच्छे से रख के तमीज से लेके आए डॉलर। ओके, 6 मिलियन सम बैग। अभी जो है ना 6 मिलियन भाई ने तकदीम करवाए, अभी रबड़ दे रहा है। हाँ रबड़, दिस इज फ्री है। दिस वन इज फ्री है, रबड़ फ्री है भाई जान। This is from Pakistan. From Pakistan. Yes. I am from India. I am from India. India. Yeah. So, isko dal. India, Pakistan. Yeah. This is my friend. This is come here for. Yeah. Okay. Thank you. Okay. अच्छा ये बंदा मिनट नहीं लगा था डॉलर चेंज करके देता है ना। उधर एक दफ़ा मैं एक भाई को लेके गया डॉलर चेंज करवाने के लिए ना, आधा घंटा लगा दिया लड़की ने ना डॉलर के लिए, नमाज भी नहीं पढ़ी यार, नमाज का भी टाइम। सो गाइस अभी हम लोग ने डॉलर करा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से इनके चेंज, और जाते हैं देखते हैं अभी ये भाई क्या ट्रीट देते हैं, इनकी शादी है बिल्कुल। सो सामने जो है ना ये अल्फा मार्ट के करीब ही ये दुकान है जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खाना मिल जाता है, बेस्ट खाना मिल जाता है। तो वहाँ से हम लोगों ने खाना और फिर उसके बाद इनको ले जाएंगे घर, क्योंकि यहाँ से 14 या 15 किलोमीटर का फासला है हमारे घर का यहाँ से। तो अल्लाह करे रश ना हो, क्योंकि जकार्ता बड़ा फेमस है रश के लिहाज से ना, बड़ा मशहूर है। सो रश की भी टेंशन है, ये बच्चे मेरे वेट कर रहे हैं, मेरे फैंस जो है ना इन्होंने मुझे देखा हुआ यूट्यूब्स के ऊपर, आओ इनसे मुलाकात करते हैं ना, इनसे मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू ब्रदर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सेहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने ऑलरेडी मुझे ना यूट्यूब पे देखा हुआ है। तो फाइनली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुंच गए हैं, ये हमारा घर है और इसका नाम क्या नाम है भाई? ज़ीशान। इसका नाम भी ज़ीशान है और मेरा नाम भी ज़ीशान है। तो इसके साथ जो है ना ये बाय वन गेट वन फ्री इसको लेने गया एयरपोर्ट पे, तो साथ में ये भाई मुझे फ्री में मिल गए। क्या नाम है आपका भाई? नाज मेरा नाम है। इसका नाम नाज है जनाब जी, और ये दोनों माशाल्लाह से यहाँ पे बिजनेस करेंगे और यहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे है ना भाई? हाँ ज़रूर, अपने वतन का नाम रोशन करो और अपने वतन का झंडा गाड़ने ये आए हुए हैं दोनों भाई। और ये जो ज़ीशान भाई हैं, और आपका नाम? जमान। नाज। नाज भाई, इनसे पूछते हैं भाई जान क्या मसले मसाइल पेश है कराची से लेके
लाहौर से। अच्छा, लाहौर एयरपोर्ट से ले के जनाब सी जी के जकार्ता तक क्या मसले मसाइल है, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बताना है। बोलो, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा मुझे बताओ, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताओ, कराची लाहौर एयरपोर्ट में क्या सीन हुआ, इमिग्रेशन वालों ने क्या सवाल किया? सबसे पहले तो बात ये है कि शादी के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो ईजिली प्रीपेयर हो जाते हैं, ठीक है। फिर वीज़ा टिकट वो सारा कुछ भी फाइनल है, ठीक है, वो आपको मिल जाता है इजिली। बिल्कुल। फिर उसके बाद एयरपोर्ट जो लाहौर वाला है वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो। जी जी। परेशानी सिर्फ बनी है इधर इंडोनेशिया की इमिग्रेशन जो है वो सख्त है, थोड़ी सी सख्त है, ठीक है। तो वो भी अगर डॉक्यूमेंट आपके फुली प्रीपेयर है ना तो कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता ना, डॉक्यूमेंट प्रीपेयर हो। बिल्कुल, होटल बुकिंग होनी चाहिए, होटल बुकिंग हो आपकी भाई महीने की, उसे पूरा सेटअप दें कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ये काम है मेरा, तो फिर आपको ज़रूर करेंगे। लेकिन फिर यही मसला आ जाता है कि हम थोड़ी सी ना घुटी मार जाते हैं उसमें से, कहते हैं चलो 7 दिन की बजाय 1 दिन की होटल बुकिंग कर लें, ये वो सीन कर जाते हैं, तो फिर पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। सो गाइज, इसको उन्होंने तकरीबन ना कोई 40 मिनट बिठाया, इसको ना सही खपाया, तो इसकी होटल बुकिंग जो थी ना 1 दिन की हुई थी इसने, और फिर मजीद जो है ना इसने अरेंज करवाई उधर ही होटल बुकिंग, डॉक्यूमेंट अरेंज करवाए, उसने खुद ही आके पासपोर्ट लेके गया, उसको लगा के दिया, और दोनों भाई, इसको तो वैसे ही मसला नहीं बना, इसको तो जबान भी आती थी ना, मलेशिया में आप रह चुके हैं ना माशाल्लाह से, ये तो भाई 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट से बाहर थे। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर मुकम्मल प्रॉपर डॉक्यूमेंट और शो मनी, इनके पास, इसके पास तकरीबन कोई $1400-1500 इसके पास थे और $2000 ये भाई लाए थे ना, तो यहाँ पे इन्होंने कोई कारोबार का निज़ाम भी देखना है इंडोनेशिया में, सो इनको फिर इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं हो, शो मनी भी होनी चाहिए, ठीक है, $1000-1000 तो हो ना कम से कम, $800-1000, क्योंकि आप एक दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, बिगाने मुल्क में जा रहे हैं, इतने पैसे तो आप लोगों के पास होने चाहिए ना। सो बाकी वीज़े के लिए जो है ना ये भाई बैठे हैं, हाजिर हैं, आपको वीज़ा देंगे ऐसे ना? हाँ जी जी, जिशान भाई आपको वीज़ा देंगे। So, नाम दोनों का ये क्या यार, अली रजा भी बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, वीज़ा चीज़ा लेके देते हैं सारा चीज़। अली रजा यार बड़ा फ्रॉड कर गया कसम से। हाँ, उसने आज बड़ा 2 नंबर ही किया अली रजा को, तो इसको पकड़ लिया हमने ना, इसको नानी याद दिलानी है इसको, फिर पूरी दुनिया देखेगी कि फ्रॉड कैसे करते हैं।